ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो बेसिक बातें हमने सारी पढ़ ली है कि मॉलिकुलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होता है, एवरेज मोलर मास क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके आगे से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम लोग डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। मैं बोलता हूँ कि हमारी डेंसिटी दो तरह की होती है। फर्स्ट एक तो होती है क्या, ए होता है हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी। ए हमारा होता है क्या, एब्सोल्यूट डेंसिटी। और बी हमारा होता है क्या, बी इज आ रिलेटिव डेंसिटी। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में, कोई बता सकता है? बोलो। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? देखो जो हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है वो तो एक्चुअल जो डेंसिटी होता है जो हमने आज तक पढ़ा है वो वही है। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी होता है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि कोई सब्सटेंस है ए जिसका डेंसिटी है 2, एक सब्सटेंस है बी जिसका डेंसिटी है 5 या फिर 10। मान लो एक सब्सटेंस ए है जिसका डेंसिटी 2 है, एक सब्सटेंस बी है जिसका डेंसिटी 10 है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी का डेंसिटी कितना हुआ, 5 हो जाएगा, 10/2 मतलब 5 बोल देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले डेंसिटी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं किसके बारे में, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है ना, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब हमारा नॉर्मल डेंसिटी ही है। लिक्विड या सॉलिड के लिए हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसे निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी हम लोग मास बाय वॉल्यूम से ही तो निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर मास ग्राम में रखा है, वॉल्यूम एमएल में, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा ग्राम पर एमएल। समझ गए। सेकंड हम लोग गैस के लिए कैसे निकालते हैं, गैस के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, गैस के लिए लिखते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम ऐसे लिखते हैं गैस के लिए। ठीक है, तो गैस का मोलर मास तो मोलर मास होता ही है, तो यहां पर लिख देता हूं गैस का मोलर मास होता है मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, किसी भी गैस का एक मोल का वॉल्यूम कितना पढ़ा है हमने, 22.4। ठीक है, तो जो मोलर मास होता है वो हमेशा ग्राम में होता है, 22.4 लीटर में आया है, तो इसका यूनिट हो गया 22.4 मोलर मास बाय मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 और यूनिट हो गया ग्राम पर लीटर। ये तो सिंपल हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी था। ठीक है, अब जो अलग है वो क्या है, वो है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। इसमें भी वही है, दो तरह से निकालेंगे हम लोग, सबसे पहला फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, देन निकालेंगे फॉर गैस। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है क्या उसके बारे में लिखते हैं क्या। मैं बोलता हूं इट इज द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस
इट इज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विथ रिलेटिव, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होगी, विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर सब्सटेंस. ठीक है, एक सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में दूसरे सब्सटेंस के डेंसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, अब इसमें सब्सटेंस क्या है वो हमने फिक्स किया हुआ है, वो हमने फिक्स किया हुआ है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग बोलते हैं इट इज यूनिटलेस. रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, जैसे एब्सोल्यूट डेंसिटी में हमने दो यूनिट लिए हैं, ग्राम पर एमएल और ग्राम पर लीटर. रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये डेंसिटी का एक तरह से रेशो है और किसी भी चीज का रेशो का कोई यूनिट नहीं होता है. जैसे इसमें हम लोग बात करें सबसे पहले फॉर लिक्विड और सॉलिड, फॉर लिक्विड और सॉलिड, तो लिक्विड और सॉलिड की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका एक स्पेशल नेम होता है. किसी को पता है क्या नेम होता है स्पेशल लिक्विड और सॉलिड के रिलेटिव डेंसिटी का एक स्पेशल नेम होता है? क्या नेम होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी, कहीं पे भी लिखा हुआ मिल जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब लिक्विड या सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं उसकी बात करें. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? मैक्सिमम होती है, और होती कितनी है? हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml. ये हम तो पता ही है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और वो मैक्सिमम होती है. ठीक है, तो हमने देखो मान लो हमने निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब टेम्परेचर के साथ वाटर की डेंसिटी चेंज होती रहती है. एक 4 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और वो 1 ग्राम पर ml होती है. इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो इससे कम ही आएगी डेंसिटी वाटर. ओके सर, ये तो पढ़ा होगा ना बचपन में तुमने, नहीं पढ़ा क्या कभी? टेंथ में पढ़ा है. हाँ ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की डेंसिटी, और ब्रैकेट में मैं यूनिट लिख देता हूँ ग्राम पर ml, है ना. जो भी सब्सटेंस की डेंसिटी ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस कितना हुआ? 1 ग्राम पर ml. तो देखो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कट गया, है ना. ये देखो यहाँ से ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कैंसिल हो गया है ना. तो यहाँ से मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आया? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफिक ग्रेविटी आया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना. यूनिट नहीं है इसका, कोई यूनिट लेस है. ठीक है, तो मैं देखो इसमें एक चीज लिख सकता हूँ स्टार मार्क करके, ध्यान से देखना. मैं लिख रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस एब्सोल्यूट डेंसिटी. बोल सकता हूं ऐसा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ यूनिटलेस एब्सोल्यूट डेंसिटी. जैसे मान लो मैं बोलता हूं किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी 4 ग्राम पर ml है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा?
फोर होगा है ना। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर एब्सोल्यूट डेंसिटी हमें दे रखा है, एब्सोल्यूट डेंसिटी हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए एब्सोल्यूट डेंसिटी दे रखा है 8 ग्राम पर ml, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा? 8। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क किस चीज का है, सिर्फ यूनिट का। अगर यूनिट हटा दो तो मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगा। समझ गए? बोलो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सेकंड हम लोग बात करते हैं फॉर गैस। ठीक है, सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं फॉर गैस। तो हम बोलते हैं गैस के लिए हम जो जैसे लिक्विड और सॉलिड के लिए हमारी रिलेटिव डेंसिटी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, गैसेस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये मेरा वेपर डेंसिटी होता है, गैसेस के लिए डिफाइन होता है वेपर डेंसिटी के नाम से। तो ये किसके रेस्पेक्ट में, जैसे सॉलिड लिक्विड के लिए वो वाटर के रेस्पेक्ट में था ना, वैसे ये किसके रेस्पेक्ट में है? तो इसके लिए भी मैं लिखता हूं ये होता है मेरा डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। तो किसके रेस्पेक्ट में है ये? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। तो देखो किसी भी गैस का डेंसिटी क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस है ना। अब इसको पूरे को होल को डिवाइड करेंगे किससे, इसको पूरे को डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, इसको पूरे को डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ H2 गैस। मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ मोलर मास ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय सर वो वैल्यू मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। क्या हुआ सर, वो डेंसिटी ऑफ H2 गैस पर मोल लेंगे क्या? अरे सुन तो सर पूरी बात तो सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ, पूरी कहानी सुनते जाओ। वेपर डेंसिटी मैंने बोला डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। किसी भी गैस का डेंसिटी कैसे निकालते हैं, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ऐसे H2 का डेंसिटी क्या होगा, मोलर मास ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। तो देखो मोलर मास ऑफ गैस क्या है वो हमें पता नहीं, तो ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, अब मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है, 22.4। ठीक है, मोलर मास ऑफ H2 गैस कितना होता है, 2। H2 का 2 होता है, H का होता है 1, तो ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कितना होगा, 22.4। अब देखो 22.4 से 22.4 कैंसिल हो गया, तो किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी कितना आया, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भैया याद रख लो एकदम, बहुत जगह पूछते हैं, बहुत जगह काम आता है फॉर्मूला, कि वेपर डेंसिटी क्या है, किसके इक्वल है, किसके इक्वल नहीं है, है ना। तो हमें पता होना चाहिए क्या वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें एक बात और लिख देता हूं मैं, क्या सेकंड भाई वापस सेम पॉइंट, क्या इट इज ऑल्सो यूनिटलेस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी समझ आ गई। एब्सोल्यूट डेंसिटी तो कॉमन है, नॉर्मल डेंसिटी जैसी, रिलेटिव डेंसिटी जो गैस लिक्विड की होती है उस पर स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, और जो लिक्विड और सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और गैसेस की वेपर डेंसिटी होती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब यूनिटलेस डेंसिटी, वेपर डेंसिटी मतलब
मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टू, समझ गए? बोलो ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी में। अगला हमारा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, किसी मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है ना। तो देखो मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मिक्सचर की डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा गैसेस है ना, बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे लिक्विड है, बहुत सारे कुछ भी है ना, मान लो सभी का डेंसिटी गिवन है D1, D2, D3, D4, ऐसा डेंसिटी सभी का गिवन है, सभी का वॉल्यूम गिवन है V1, V2, V3, V4 ऐसा, तो डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, हमें सिर्फ डेंसिटी उनका इंडिविजुअल का डेंसिटी पता है, इंडिविजुअल का वॉल्यूम पता है, बस यही है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, यही डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। और मास क्या हो सकता है मेरा, मास क्या हो सकता है, मास हो सकता है मेरा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये मेरा मास हो सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर। तो जिसका डेंसिटी D1 है उसका वॉल्यूम V1 है, जिसका डेंसिटी D2 है उसका वॉल्यूम V2 है, जिसका डेंसिटी D3 है उसका वॉल्यूम V3 है, जिसका डेंसिटी V4 है उसका जिसका डेंसिटी D4 है उसका वॉल्यूम V4 है, ऐसा है ना। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो देखो टोटल मास क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा V1 D1 + V2 D2 + V3 D3, ऐसा चलता जाएगा। पहले वाले मिक्सर का, पहले वाले का मास V1 D1, दूसरे वाले का मास V2 D2, तीसरे वाले का मास V3 D3, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना है तो टोटल मास मतलब सभी का सम कर दिया और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3 + ऐसे चलता जाएगा, ऐसे ही निकालेंगे। बोलो अगर मान लो ऐसा नहीं दिया हो, अगर मान लो ऐसा नहीं दिया हो, हमको ऐसा दिया हो, ये तो केस वन था, ये तो केस वन था कि हमें डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो। केस टू हमें क्या गिवन हो, हमें डेंसिटी गिवन हो D1, D2, D3, D4 और मास गिवन हो M1, M2, M3, M4 ऐसे। जिसका डेंसिटी D1 है उसका मास M1 है, जिसका डेंसिटी D2 है उसका मास M2 है, जिसका डेंसिटी D3 है उसका मास M3 है, जिसका डेंसिटी D4 है उसका मास M4 है ना। तो अगेन डेंसिटी, अच्छा अब इस टर्म में हमें वॉल्यूम नहीं गिवन, हमें पहले वाले केस में तो क्या था, हमें मास नहीं गिवन था, वॉल्यूम और डेंसिटी पता था, तो मास हमने निकाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके। अब इस वाले केस में क्या है, हमको वॉल्यूम नहीं गिवन, हमें मास गिवन, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी करके, ठीक है। तो अगेन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का वही सेम फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का अगेन वही सेम फॉर्मूला, क्या टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या है, मास वही M1 + M2 + M3 + M4 ऐसा चलता जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, पहले वाले का वॉल्यूम M1 / D1 M1 / D1 + M2 / D2 + M3 / D3 + M4 / D4 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये है, जब डेंसिटी और मास पता हो केस टू में, केस वन में जब डेंसिटी और वॉल्यूम पता है, समझ गए डेंसिटी और मिक्सचर कैसे निकालना है। बोलो। यस सर। चलिए तो हम अब कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, उससे पता चलेगा तुम्हें कितना क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन, दो ही केस है तो और कितने केस बनेगा, तीसरा केस बता क्या बन सकता है, बता कि जब मास और डेंसिटी गिवन हो, वो जब मास और वॉल्यूम गिवन हो तो मास सारा ऐड कर दो, वॉल्यूम सारा ऐड कर दो, खत्म। हाँ सर।
क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विद रिस्पेक्ट टू CH4? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी लिख देता हूं, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 विद रिस्पेक्ट टू N2O? क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ O2 गैस? तीन क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तीनों क्वेश्चंस करो। हो गया? Yes, sir. चलो इतना ही टाइम लगना चाहिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। पहले वाला बताओ, पहले वाले का आंसर। बोलो बोलो। 6.4। अरे भाई क्या कर रहे हो। देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 क्या होगा, SO2 गैस है तो क्या होगा इसका रिलेटिव डेंसिटी, इसका रिलेटिव डेंसिटी होगा मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, फिर डिवाइड करेंगे पूरे को किससे, मोलर मास ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम से तो मोलर वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4, मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है 64, मोलर मास ऑफ CH4 कितना होता है 16, यहां से कितना आएगा 4, यही आ रहा था आंसर, किसी का आया था 4? सर वो CH4 डिवाइड करेंगे ना सर। क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वॉइस नहीं आ रहा क्लियर। सर CH4 को SO2 से डिवाइड करेंगे ना। हाँ तो वही तो किया है सर, SO2 को CH4 के डेंसिटी से डिवाइड किया है। हाँ तो वही तो किया है भाई, SO2 की डेंसिटी को CH4 के डेंसिटी से ही डिवाइड किया है मैंने। अब हमने निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2, मतलब CO2 के मोलर मास को N2O के मोलर मास से डिवाइड करना है। CO2 का मोलर मास 44, N2O का मोलर मास भी 44, तो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ CO2 कितना आ गया 1। समझ आ रही है बात? चलिए वेपर डेंसिटी ऑफ O2 निकालना है। वेपर डेंसिटी ऑफ O2 वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो
मोलर मास ऑफ O2 32 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 16. इतनी बात समझ आ रही है? यस सर. चलिए और क्वेश्चन देता हूं. क्वेश्चन नंबर 4. 7.5 लीटर STP with 16 gram. Calculate VD का मतलब है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस. एक तो इस क्वेश्चन को करो, एक नीचे एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5. वो क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड इज 1.8. Then find mass of 100 ml of liquid. चलिए ये दो क्वेश्चन है, जल्दी से करो. हुआ क्या? यस सर. 24 है ना? सर एक क्या आंसर आया? सो फर्स्ट 24 और सेकंड 180. ठीक है, एक मिनट का टाइम और है, बाकी लोग भी ट्राई करो. चलिए यार हम लोग करते हैं ना. देखो हमें क्या निकालना है, वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है ना. तो मुझे पता है क्या वेपर डेंसिटी क्या होता है, उस गैस का मोलर मास
मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, ये होता है मेरा वेपर डेंसिटी। तो अगर मुझे मोलर मास पता चल जाए तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा उसको 2 से डिवाइड करके मैं वेपर डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है कि मेरे गैस का मोलर मास क्या होता है, एसटीपी पर 22.4 लीटर जो गैस का मास होता है वही उसका मोलर मास होता है, वो हमें नहीं गिवन। बट हमें ये पता है, क्या हमें पता है, 7.5 लीटर गैस है उसका मास कितना दे रखा है, 16 ग्राम दे रखा है एट एसटीपी। तो 22.4 लीटर गैस का मास निकाल लूं एसटीपी पर तो वही उसका मोलर मास होगा। तो 22.4 लीटर गैस का मास कितना होगा, वो होगा 16/7.5 × 22.4 ग्राम एट एसटीपी, ठीक है। और ये मास ही क्या है मेरा, यही मास है मेरा मोलर मास, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है 22.4 लीटर गैस का जो मास होता है वो उसका मोलर मास होता है, ठीक है। चलिए अगर मुझे वेपर डेंसिटी निकालना है तो क्या करूंगा, इस मास को 2 से डिवाइड कर दो, 16 × 22.4 डिवाइडेड बाय 7.5, इसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। तो यहाँ से अप्रोक्स आएगा 24, ठीक है, अप्रोक्स आएगा, समझ गए? सर थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए प्लीज। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फंडा है कि 22.4 लीटर गैस का जो मास होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। ये चीज हमने आईटीसी में पढ़ी है कि एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस का मास उसका मोलर मास होता है, ऐसा पढ़ा है हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में। यस सर। तो बस जब 7.5 लीटर गैस का मास हमें गिवन है तो 22.4 लीटर गैस का मास निकाल लो, उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो हमें क्या जाएगा, वेपर डेंसिटी, समझ गए? यस सर। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है, 1.8। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से अगर मैं एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना चाहूं तो एब्सोल्यूट डेंसिटी कितना आ जाएगा, 1.8 ग्राम पर एमएल, बोलो। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इस डेंसिटी का मतलब है मास ऑफ 1 ml लिक्विड इज कितना है, 1.8 ग्राम, यही तो मतलब होता है डेंसिटी का, कि पर वॉल्यूम मास कितना है। डेंसिटी का मतलब यही होता है कि पर वॉल्यूम मास कितना है। तो 1 ml लिक्विड का मास कितना है, 1.8 ग्राम। तो मास ऑफ 100 ml कितना आएगा, 1.8 × 100 ग्राम, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से कितना आ जाएगा, 180 ग्राम। क्लियर है सभी को, बोलो। यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्या 20 ml सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, 20 ml सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml इज मिक्स्ड विथ is mixed with 80 ml solution of alcohol having density 1.5 gram per ml. Then question क्या है, calculate density ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बताओ भाई,
बताइए कितना आएगा? 1.44. यस ठीक है, करो भाई, एक मिनट का टाइम हो रहा है, बाकी लोग भी करो। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक तो हमें दिया है एक सॉल्यूशन वन जिसका वॉल्यूम है 20 ml और डेंसिटी D1 है जिसको मैं क्या बोलूंगा वो है 1.2 g/ml। एक सॉल्यूशन दिया जिसका वॉल्यूम V2 है कितना 80 ml और डेंसिटी D2 है कितना 1.5 g/ml। दोनों को मिक्स कर दिया है तो डेंसिटी निकालनी है हमें किसकी, मिक्सचर की। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, वो सिंपल है, कैसे निकालते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करके। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम तो हमें पता है कितना है, 20 + 80। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V1 × D1 + V2 × D2 करके। तो यहां से हमारे पास आएगा 20 × 1.2 + 80 × 1.5 / 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 144/100 और यूनिट सेम रहेगा ग्राम पर ml, तो यहां से आएगा 1.44 g/ml। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। कभी नाम सुना है? रुक जा, एम्पिरिकल फॉर्मूला सुना होगा छोटी क्लासेस में, एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं सुना तो कोई नहीं, अब सुन लो। इसमें क्या है, हाँ देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम लोग EF से भी डिनोट करेंगे, है ना, EF एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये, तो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड is a chemical formula showing relative number of atoms in the simplest ratio। कुछ नहीं करना, हमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनका सिंपलेस्ट रेशियो में लिख देना है ना। कैसे दिखना है उसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। एक मैं बॉक्स बनाता हूँ ना, एक मैंने बॉक्स बनाया सर। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मतलब, बता रहा हूँ इधर तो मैं लिख रहा हूँ क्या, इधर लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला और इधर लिख रहा हूं क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C6H6, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मतलब सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, CH 1:1, 6 का C 1:1 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो C6H6 का क्या आ गया, मेरा C6H6 का आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। जैसे मान लो हमको गिवन हो C4H6,
तो क्या बोलोगे? C2H3 है ना, तो हम लोग बोलेंगे C2H3 आएगा इसमें। 4:6 का सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा? 2:3, तो यहां से आ जाएगा क्या? C2H3। ये जो कहीं पे दिया है C2H2, तो क्या आएगा? CH। कहीं पे दिया है N2H6, तो क्या आएगा? NH3। कहीं पे दिया है C12H22O11, सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो इसका और सिंपलेस्ट रेशो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हम बोलेंगे ये सेम रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चला कैसे निकालते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला। यस सर, बताओ। तो एक बार हम लोग है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? वैसे पता तो तुम्हें है ही कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जो भी मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूं। मैं बोलता हूं क्या, मैं बोलता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें एक्चुअल नंबर बताता है कि भैया एक्चुअल नंबर क्या है मेरे हर एटम का उस फॉर्मूला में, और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? उनका सिंपलेस्ट रेशो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर बता देगा कि हाँ भाई ये है, और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बताएगा? सिंपलेस्ट रेशो। तो डिफरेंस समझ आया इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? सर हम इंपीरिकल से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? इंपीरिकल फॉर्मूला जो इंपीरिकल फॉर्मूला यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? तुझे क्या पता कौन सा मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर नहीं। ठीक है, चलो अब देखो एक लाइन लिख रहा हूं मैं। मैं क्या लिखता हूं? मैं लिख रहा हूं MF मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इन टू सम इंटीजर एन। एन क्या है? एन हमारा कोई इंटीजर है ना, एन क्या है? एन इंटीजर है। तो हम बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला को किसी पर्टिकुलर इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा तो मैं बताता हूँ। मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमारा फार्मूला था C6H6, ये क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंपेरिकल फार्मूला CH इंटू इंटीजर। इंटीजर क्या लू मैं यहाँ पर? क्या इंटीजर लू के बैलेंस हो जाए? Six. ऐसे मान लो, जैसे मान लो मैंने लिया C6H12O6, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH2O। तो इंटीजर क्या लूं यहाँ पर? Six. अगेन मान लीजिए मैंने लिया हम क्या लूं यार, छोड़ो इतना ही काफी, इतना समझ गए ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरा इंटीग्रल मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला का। इस लाइन का मतलब समझ आ गया? या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, एन का वैल्यू निकालना हो तो एन का वैल्यू कैसे निकलेगा? मास ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला
divided by mass of empirical formula. तुम चाहो तो देख भी सकते हो n का वैल्यू कैसे आ सकता है हमारा empirical formula का मास divide sorry molecular formula का मास divided by empirical formula का मास. ऐसे करोगे तो भी हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं. वो तो दिख ही रहा है हमें डायरेक्टली, हम यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हैं. समझ आ रही है इतनी बात? बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ सर. चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा. क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन क्या है? अ कंपाउंड. क्वेश्चन से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अ कंपाउंड हैविंग एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड and molecular mass of the compound is 56, then determine molecular formula. Batao. सर C4H8. और ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है C4H8. ओके, क्या सभी लोगों का यही आंसर आ रहा है या बाकी लोग कर ही रहे हैं अभी तक? देखो इधर देखो, हमें पता है क्या? n इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास, मास ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला. मास ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला कितना दे रखा है? 56, ऐसा ही है. डिवाइडेड बाय मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूले का मास कितना आएगा? 14 आएगा ना. कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 14 आ गया. तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आया? n का वैल्यू आया 4. अच्छा ठीक है. और हमें एक चीज और पता है क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n टू n. तो यहां से मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ गया? C4H8. समझ गए? बोलो, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर. चलो एक थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको करके बताओ. कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट. कैलकुलेट परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3. NH3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज बाय वेट कितना होगा ये बताना है. सर 82.35. ठीक है,
देखो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो. हमने बोला मास ऑफ अमोनिया कितना होता है, मास ऑफ अमोनिया. सेवनटीन ग्राम यही होता है क्या? उसमें से 14 ग्राम कौन है? 14 ग्राम नाइट्रोजन है और 3 ग्राम कौन है? 3 ग्राम हाइड्रोजन है. ये बात समझ आती है सभी को? 14 ग्राम नाइट्रोजन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन है. तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? परसेंटेज बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? नाइट्रोजन का वेट टोटल वेट इंटू 100, तो ये आएगा 82.35%. समझ गए? यस सर. यस सर. चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3. इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना, शीट में भी है, स्टार मार्क कर रहा हूं मैं. क्या क्वेश्चन है? अ कंपाउंड ऑफ सोडियम कंटेन 11.5% सोडियम. फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड. ये मिनिमम मोलर मास वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं ना, कि एक कोई एक एलिमेंट के बारे में परसेंटेज दे दिया जाता है और पूछते हैं कि मिनिमम मोलर मास क्या होगा कंपाउंड. तो एक बार तुम लोग ट्राई करो, देन मैं बताता हूँ. 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो. और वो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर क्या लिखा है? क्या हुआ? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर? क्या हुआ क्या कुछ? बोलो. देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमें बोला है कंपाउंड ऑफ सोडियम कंटेन 11.5% सोडियम, फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. तो हमें कंपाउंड के बारे में कुछ अता पता नहीं है कि मेरा कंपाउंड है क्या, बट इतना पता है कि उस कंपाउंड में कुछ हो ना हो बट उसमें सोडियम जरूर है. तो मुझे बताओ, अगर कंपाउंड मुझे मिनिमम मोलर मास का लेना है तो उसमें एटलीस्ट कितने सोडियम लेने पड़ेंगे? बताओ. दो. दो क्यों? वन लेंगे तो काम नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा ना. तो मैं मान लेता हूं मिनिमम मोलर मास लेना है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला मुझे पता नहीं बट मैंने बोल दिया इस कंपाउंड में एटलीस्ट एक सोडियम तो है. ब्रैकेट मतलब अंदर कुछ भी हो सकता है उसके फॉर्मूले में, मुझे पता नहीं बट उसमें एटलीस्ट एक सोडियम तो है. ठीक है, ये मेरा पूरा क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया जिसका मास मैंने मान लिया कितना है, एक्स ग्राम.
x ग्राम कंपाउंड है ना। अब उस x ग्राम में कौन कौन है, सोडियम एक है, तो सोडियम का मास कितना होगा x ग्राम में? जीरो। अबे 23 होगा ना, जीरो कहां से आया? एक सोडियम है तो एक सोडियम का मास तो होगा। जैसा मुझे लगा सिर्फ x में, x में सोडियम होगा कितना 23 ग्राम, और बाकी बचा कुचा अदर होगा उससे मुझे मतलब नहीं। और मुझे बोला है कि उस कंपाउंड में 11.5% मेरा कौन है, सोडियम। मतलब x का 11.5% कौन है, सोडियम, मतलब 23। ये इक्वेशन में लिख सकता हूं, बोलो। कंपाउंड का मास मेरा x था, और उस कंपाउंड के मास को मुझे मिनिमम बनाना था, तो मैंने एटलीस्ट एक सोडियम तो लेना ही था, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि वो सोडियम कंटेन करता है मेरा कंपाउंड। तो मैंने सोचा कि मिनिमम मोलर मास बनाना है, तो मैं एक सोडियम डाल दूं। एक सोडियम का मोलर मास उस x में कितना है, 23। और बोला है कि x का 11.5% सोडियम का मास है, मतलब वो कितना है, 23। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, 200 ग्राम। तो मुझे क्या पता चल गया कि मेरे कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास तुम 200 रख दो, तो उसमें एटलीस्ट एक सोडियम आ जाएगा, मतलब 200 का 11.5% मेरे पास आ जाएगा। तो मिनिमम मोलर मास कितना होना चाहिए, 200 ग्राम। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्या करना है, कॉन्सेप्ट देखो, जब मिनिमम मोलर मास का क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें कॉन्सेप्ट यही रखना है, हमने जिस एलिमेंट का मिनिमम मोलर मास दे रखा है उसका नंबर वन लेना है, कि एटलीस्ट एक तो वो होगा, उसके बाद ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने किया। समझे या नहीं समझे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ना, जेई मेंस वगैरह में ज्यादा पूछते हैं, एडवांस वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। क्या है, मुझे बोला है क्या, मुझे बोला है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। एक मेरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, और हमको गिवन क्या है, गिवन क्या हुआ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब, अरे मान लो कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, कोई भी ऐसा कंपाउंड, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक नेचर है उसका। गिवन क्या है, हमें गिवन है द फॉलोइंग कंपोजिशन, हमको फॉलोइंग कंपोजिशन दे रखा है, उसमें बाय वेट, बाय वेट हमें कंपोजिशन दे रखा है कि उस मॉलिक्यूल में बाय वेट कौन कितना कितना है। तो हमें दे रखा है क्या, उसमें कार्बन है 40.684%, उसमें हाइड्रोजन है 5.085%, बाय वेट दे रखा है ना, ऑक्सीजन है बाय वेट 54.228%, ऐसा दे रखा है। और हमें ये भी बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है, ऑफ द कंपाउंड इज 118 ग्राम, ये बोला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 118 ग्राम। देन हमें क्या करना है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमको बोला है देन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद सॉल्व करके बताता हूँ, देन इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होगा, जब तुम्हें परसेंटेज गिवन होगा बाय वेट, फिर तुमसे या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो क्या करना है तुम्हें। तो देखो सिंपल सा फंडा है, हमने एक टेबल बनाना है जिसमें 5 कॉलम बना देने। पहले तो मैं एक टेबल बना देता हूँ, पांच कॉलम बनाने, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। चलिए ऊपर मैं लिख रहा हूं क्या, फर्स्ट कॉलम में ऊपर यहां पे तो लिखूंगा मैं मेरा एलिमेंट क्या है,
इधर मैं लिखूंगा परसेंटेज कंपोजिशन, अगेन इधर मैं वापस लिखूंगा परसेंटेज कंपोजिशन, इधर मैं लिखूंगा रिलेटिव मोल, अगेन इधर मैं लिखूंगा रिलेटिव मोल, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन ये वाला तो है बाय वेट जो कि हमको गिवन है, और ये वाला होगा बाय मोल जो कि मैं निकालूंगा। रिलेटिव मोल एक है, दूसरा रिलेटिव मोल है इंटीजर में, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे अगर नहीं हुआ तो। अब देखो एक एलिमेंट मेरा कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट मेरा ऑक्सीजन है। परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट हमें दे रखा है, कार्बन का दे रखा है 40.684%, ये दे रखा है 5.085%, और ये दे रखा है 54.228%। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट दे रखा और बाय मोल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बताओ। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मास, जो भी उसका एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास होगा। कार्बन का दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन का दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि H2 नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन है इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो परसेंटेज बाय मोल क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं, ये आएगा 3.39, ये आएगा 5.085, और ये आएगा लास्ट वाला आएगा अगेन 3.39। तो अब रिलेटिव मोल जब निकालने हो तो सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं सभी को, सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं सभी को। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1.39। अबे 3.39 है ना, 3.39 सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 3.39, इसको भी डिवाइड करेंगे 3.39, क्योंकि रिलेटिव निकाल रहे हैं ना तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, यह आएगा 1, ये भी आएगा 1, ये आएगा 1.5। अब इसको इंटीजर में चेंज करना है तो 1:1.5:1 को इंटीजर में कैसे चेंज करेंगे? राउंड ऑफ ले ऐसा कर देंगे ना, 1:1.5:1 को 2:3:2 लिख सकता हूं। बोलो। यस सर। ये इंटीजर में कन्वर्ट करना आया, एक बार वो थर्ड लाइन का फिर से बताना। थर्ड वाला कॉलम क्या, रिलेटिव मोल? यस सर। नहीं सर उसके पहले तो वाला। देखो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल। हाँ सर। तो बाय मोल निकालने तो उनके मास से डिवाइड कर दो ना, कार्बन का बाय वेट दे रखा है तो बाय मोल निकालने तो उसका मास 12 से डिवाइड कर दो, हाइड्रोजन का निकालना है तो उसके मास 1 से डिवाइड कर दो, ऑक्सीजन का निकालना है तो उसके मास 16 से डिवाइड कर दो। हाँ सर। तो रिलेटिव मोल आ गए मेरे इंटीजर में, तो रिलेटिव मोल से ही मेरा एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना? C2H3O2, ये मेरा क्या बना? एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। अब देखो मुझे मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है तो उसके लिए n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू क्या होगा? मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास कितना दे रखा है? 118। एम्पिरिकल फार्मूले का मास तुम यहां से निकाल लो तो C2H3O2 का मास निकाल लेना, इसका मास अगर मैं निकालूंगा तो इसका मास आता है 59। तो 59 से डिवाइड करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ गया? n का वैल्यू आ गया 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा एम्पिरिकल फार्मूला इंटू 2, मतलब C2H3O2 इंटू 2। तो ये कितना आया? C4H6O4। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ये वापस से देख लो। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें ऐसा ही करने को, एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो क्या करना है क्या नहीं। एक बार जो आपने क्वेश्चन दिया था वो वाला दिखाओ ना, मतलब इसका ही क्वेश्चन ही देखना है तुझे। अरे बोल भाई। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन ही देखना है तो भाई देख लो क्वेश्चन।
सर अगर परसेंटेज कंपोजिशन अगर बाय मोल से दिया होगा तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट फर्स्ट वाला कॉलम गायब कर देना, बाय वेट डायरेक्ट बाय मोल से शुरू कर देना। समझ रहा है बात? चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं करने को। यस सर। क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? इन एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गिवन क्या है हमें? गिवन है, कैसे लिखेंगे? गिवन द फॉलोइंग कंपोजिशन, गिवन द फॉलोइंग कंपोजिशन, हमको फॉलोइंग कंपोजिशन गिवन है क्या? बाय वेट क्या दे रखा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है ना। इसमें हमको देखो क्या दे रखा है, इसमें कंपोजिशन हमें दे रखा है, नाइट्रोजन का दे रखा है 25.94%, ऑक्सीजन का हो गया 76.94 है ना, तो बचा कितना? 0.6% है ना। देन डिटरमाइन, सिंपल है हमारा इस बार वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। हाँ बताओ सभी लोग मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करके। सर N2O5। गुड गुड, फैसिनेटिंग, बहुत जल्दी किया यार तुमने। कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ। सर विष्णु। ओके, कैलकुलेटर बगल में ही लेके बैठे रहते हो क्या? तुम्हारे पास मोल की शीट का हार्ड कॉपी है? हाँ सर है। सर मोल कॉन्सेप्ट क्या है आईटीसी? है सर। नहीं देखो आईटीसी अलग अलग होगा, आईटीसी मोल कॉन्सेप्ट अलग होगा। हाँ सर मोल कॉन्सेप्ट का है। है ना, चलो मैं क्या करता हूँ, ठीक है मोल कॉन्सेप्ट का है तुम्हारे पास, रुक जाओ यार एक सेकंड, मैं मेरे पास देख लेता हूँ। अगर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है तो मैं एक अपना कॉपी भी भेज देता हूँ। चलिए देखो अब हम लोग करते हैं, क्या हो गया सभी लोगों का? ये कर ही रहे हैं लोग अभी तक? बोलो
अरे कुछ तो बोलो, बताओ भाई, कर ही रहे हो? हाँ जल्दी करो, जल्दी करो। विष्णु तुम्हारे टेंथ में क्या परसेंट था, कौन से बोर्ड से हो तुम? सर सीबीएसई बोर्ड, टेंथ में 96 आए थे। तो फिर तो यार जैसा तुम क्वेश्चन का आंसर देते हो, जैसे तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आ रहे उस अकॉर्डिंग तो सीबीएसई में कम है, क्योंकि सीबीएसई तो बहुत फ्री के नंबर देता है। मानते हो इस बात को या नहीं मानते, सीबीएसई फ्री के मार्क्स देता है बहुत? पता नहीं सर। कौन सी स्कूल में हो, मतलब अभी तो एडमिशन लिया होगा ना 11th में किसी तो स्कूल में? हाँ सर, ये केवी ओएनजीसी पनवेल में लिया एडमिशन। अच्छा ओएनजीसी वाले पनवेल में, यार बड़े बच्चे पढ़ाए हैं केवी ओएनजीसी के। तेरे पिछले साल यार कौन थे, देख यार नाम याद नहीं आ रहा, 12th वाले बच्चों का तो नाम याद है मेरे को। एक तो तू जानता है तेरे साथ, तू 10th में था तब 12th में कौन थे? सर एक रजत भैया थे। हाँ एक तो रजत था, वो मैंने नहीं पढ़ाया उसको। आशीष भैया, आशीष कौन था? आशीष को मैंने नहीं पढ़ाया, आशीष को नहीं, उसको मैंने नहीं पढ़ाया, रजत को मैंने पढ़ाया। और एक यार क्या नाम था यार, खारगर में आता था पढ़ने, जिसके पापा यार कुछ तो कमांडो वगैरह कुछ तो है यार, तीन नाम याद नहीं आ रहा यार मेरे को, उसका नाम मैं भूल गया। 11th में कौन था लास्ट ईयर, तू जानता है किसी को केवी ओएनजीसी में 11th वाला कौन था? सर 11th में तो किसी को नहीं जानता, बस 12th के भैया उनको ही जानता हूं। हां 12th में यार एक तो यार मैं नाम ही भूल गया यार, बड़े एक साल पहले पढ़ाया था, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो गया था उनका 12th वालों का, तो एक साल हो गया लगभग। पता नहीं यार नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलो यार हम लोग करते हैं अगेन, हम लोग वापस से क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे। पांच कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 5। क्या क्या लिखना है वो मैं देख लेता हूँ। कंपोजिशन बाय वेट बाय मोल रिलेटिव मोल वगैरह है ना, तो इधर तो लिखना है मेरा एलिमेंट, इधर परसेंटेज कंपोजिशन, यहां पर भी परसेंटेज कंपोजिशन, यहां पर रिलेटिव मोल, और ये वाला भी रिलेटिव मोल है ना, ये वाला इंटीजर में है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है, बाय वेट है ये वाला परसेंटेज कंपोजिशन, बाय वेट ये वाला है बाय मोल। एलिमेंट हमारे पास दो ही है, एक नाइट्रोजन है एक ऑक्सीजन है। आंसर N2O5 था ना? हाँ N2O5 आंसर है। अब बाय मोल हमें निकालना है सिंपल, तो इनके वेट से डिवाइड कर देंगे। वेट इनका क्या है, इसका आएगा डिवाइडेड बाय 14, इसका आएगा डिवाइडेड बाय 16। तो डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो कितना आता है, 1.85। और ये आएगा 4.63 शायद ऐसा ही आएगा। अब जो छोटा वाला नंबर उससे डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड करना है 1.85 से, दोनों को 1.85 से डिवाइड करना है। छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया तो ये तो आएगा 1 और ये आएगा अप्रोक्स 2.5। तो रिलेटिव मोल इंटीजर में कैसे निकालेंगे 1 और 2.5 का, ये आएगा 2 और 5। बोलो बोलो यार। यस सर। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या?
सर वो टू और फाइव कैसे है क्या वो क्या सर टू और फाइव की वैल्यू कैसे निकल गया? अरे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जैसे रेशो हमें दे रखा है 1:2.5, तो 1:5/2 या फिर इसको 2:5 भी तो लिख सकता है। लिख सकता है नहीं लिख सकता रेशो? हाँ सर, जैसे कहीं पर लिखा है 1:33:1, तो 1.33 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4:3:1, तो इसको 4:3 लिख दिया। इतनी मैथ तो आती होगी तो वैसे ही किया है ना। चलो तो इंफेरिकल फार्मूला क्या आ गया, इंफेरिकल फार्मूला आ गया मेरा क्या है मिट्टी नीरा सर। हाँ सर, जब हम लोग 25.94/10 करते हैं तब मल्टीप्लाइड बाय 100 भी तो करना चाहिए ना। किसको किसको डिवाइडेड बाय 10? डिवाइडेड बाय 14, तो ऑलरेडी वो परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करना है? तो ऐसा करो ना, पहले परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज परसेंटेज में ही रहेगा, सिंपल। ठीक है सर। हाँ सर समझ। हाँ होमवर्क क्या है हमारा? होमवर्क है मोल की शीट से एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरा जितना भी पेंडिंग होमवर्क है जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, क्या ये रहा ये वाला प्लस श्रोडिंजर वाला, इसको पहले डिस्कस करेंगे, देन टाइम मिला तो मोल वाला डिस्कस कर लेंगे। समझ गए? Yes, चलिए फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके ठीक है।